का फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सभी विषयों का जनक या पिता, यानी फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। जैसे यहाँ दिया है, आप देख सकते हैं, भौतिकी यानी फिजिक्स का जनक हम लोग अल्बर्ट आइंस्टीन को बोलते हैं। आधुनिक रसायन यानी केमिस्ट्री का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। नेक्स्ट है जीव विज्ञान, यानी जीव विज्ञान बायोलॉजी का जनक जो है अरस्तु को बोला जाता है। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, दोनों का जो जनक है वो उसको हम लोग अरस्तु के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है यहाँ वनस्पति विज्ञान का जनक, इसको है ये जो है इनका जनक जो है थियोफ्रास्ट्स, वनस्पति विज्ञान का जनक ये है। उसके बाद भूगोल यानी ज्योग्राफी का जनक ये इरेटोस्थनीज को कहा जाता है, भूगोल का जनक। नेक्स्ट है आपका इतिहास का जनक, यानी इतिहास का जनक के हेरोडोटस को कहते हैं इतिहास का जनक। अगला है क्वेश्चन आपका हिंदी साहित्य का जनक, तो हिंदी साहित्य का जनक यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी साहित्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है संस्कृत का जनक, तो संस्कृत का जनक यह है पाणिनि, संस्कृत का जनक है पाणिनि, यहाँ दिया गया है। नेक्स्ट है मैथ यानी मैथमेटिक्स का जनक आर्किमिडीज को कहा जाता है, देख सकते हैं आप लोग, मैथ का जनक जो है आर्किमिडीज का कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका ज्यामिति यानी ज्योमेट्री का जनक है जो यूक्लिड को कहा जाता है, ज्योमेट्री का जनक। क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन जो है, मेंसुरेशन का जनक है लियोनार्ड डिक्स, लियोनार्ड डिक्स जो है मेंसुरेशन के जनक है। नेक्स्ट है आपका अलजेब्रा यानी बीजगणित का जनक जो है मोहम्मद इज्म मुसल ख्वारिज्मी को कहा जाता है। नेक्स्ट है सांख्यिकी का जनक, सांख्यिकी यानी स्टेटिस्टिक्स का जनक है जो सर रोनाल्ड फिशर, सर रोनाल्ड फिशर जो है सांख्यिकी का जनक उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का जनक, ग्रिलेमो कार्डेनो कार्डेनो को कहा जाता है प्रायिकता का जनक। नेक्स्ट है त्रिकोणमिति का जनक यानी ट्राइगोनमेट्री का जनक जो है हिपरकुस को कहा जाता है, हिपरकुस को ट्रिगोनमेट्री का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश का जनक, हम लोग जेफरी चौसर को कहते हैं इंग्लिश का जनक, जेफरी चौसर को इंग्लिश का जनक कहते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरनेट का जनक, रॉबर्ट इलियट कॉन विंटन सर्फ को कहा जाता है, रॉबर्ट इलियट कॉन विंटन सर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका है कंप्यूटर का जनक, तो कंप्यूटर का जनक बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स पेजेस को हम लोग कंप्यूटर का जनक कहते हैं। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का जनक यानी इकोनॉमिक्स का जनक जो है एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका लास्ट है नागरिक शास्त्र यानी नागरिक शास्त्र सिविक्स का जनक जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन को कहा जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।